मेरे आका इरशाद फरमाया कि मैं अबू बकर ते खुश हाँ, अबू बकर ते मैं खुश हाँ। या रसूलल्लाह क्यों? आपने फरमाया मैं जिंदे जिंदे ते भी इस्लाम नु पेश किता, किसे केड़ी दलील मंगी, किसे मोइजा मंगया, किसे की मंगया, लेकिन फरमाया वाहद अबू बकर दी जात ने फरमाया मैं जदों इस्लाम पेश किया अबू बकर ने कोई दलील नहीं मंगी, बगैर दलील तो इस्लाम ने कबूल फरमा लिया। अज वेखो ना, एक बंदा विलायत का दावा करता है, असी ना भी तेरे को विलायत दे वास्ते दलील की है, असी समझने के विलायत वास्ते दलील है कि बंदा कपड़िया तो बाहर हो गए, इवें ही है। अजकल जेड़े वली ने दुकानदारियां ने ना, अजकल जेड़े पीराने उजाम दियां मार्केटां खुलियां ने, जिहड़ियां बाजार बड़ा गर्म है, असी पुछने जनाब तुहाडे कोल की दलील है, हर बंदे को कोई ना कोई दलील मंगनी पैंदी है, क्योंकि दावा बगैर दलील तो मुकम्मल ही नहीं। तो इस वास्ते मेरे आका फरमांदे ने मैं जिंदे ते भी इस्लाम को पेश किया, किसे आख्या जी आ रुख चल के तुहाडे कोल आ जाए मैं इस्लाम कबूल कर लांगा, किसे आख्या चंद दो टोटे हो जाए मैं इस्लाम कबूल कर लांगा, किसे आख्या फलां कम हो जाए मैं इस्लाम ले आवांगा। लेकिन अबू बकर दे मुतालिक मेरे आका ने फरमाया कि वाहद मेरा अबू बकर है, मैं जिंदे ते इस्लाम पेश किया ते बगैर दलील तो इस्लाम मनन वाले, फरमाया अबू बकर दी जात ए फजीलत ए मर्तबा है। और सैयद अबू बकर आप नु किसे पुछया कि हुजूर तुहानू केड़ी शायद ज्यादा पसंद है, ए तवज्जो नाल अबू बकर तुहानू सब तो ज्यादा केड़ी चीज पसंद है, आपने फरमाया तीन चीजा, किनिया? फरमाया कि नंबर एक सब तो ज्यादा पसंद देवे कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी मजलस दे विच बैठा रहा ते हजूर नूं वेखदा रहा। नंबर एक। नंबर दो फरमाया नबी पाक दी जात ते अपना माल खर्च करना, नबी पाक दी जात ते अपना माल खर्च करना। हजूर एक मामूली बात नहीं, नबी पाक दी जात ते अपना माल खर्च करना, और फरमाया हजूर दी मजलस के अंदर बैठ के नबी पाक नूं वेंदिया रहना, ते तीसरा फरमाया नबी पाक दे नाल जिहाद ते जाना। किन्नियां चीजां होंगियां? तीन चीजां। नंबर एक दोबारा जरा याद करो, मैं क्योंकि मेरा उनवान इन्हां तीनां दे विच ही है। नंबर एक फरमाया कि हजूर दी बारगाह च बैठा रहा ते हजूर नूं वेखदा रहा। नंबर दो नबी पाक दी जात ते माल खर्च करना, हजूर ते वास्ते माल ये मैनू बहुत पसंद है। तीसरी चीज के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जिहाद ते जाना, ये भी मैनू की बड़ा बहुत ज्यादा। लो जी हुण ए जिहड़ी तीन चीजा ने कि आया कि मौजूदा दौर दे मुसलमाना च ये चीजा पाईया जाने? बिल्कुल नहीं पाईया जाने। नंबर एक जिहाद, तो वैसे ही लफ्ज जिहाद से भी पाबंदी लग गई ना, लफ्ज जिहाद से भी पाबंदी। और दूसरा नबी पाक दे नाम तो माल खर्च करना, और उन्हें मैं दलील दे देना। हुण जिहड़े बंदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सुनान वास्ते पैसे डिसाइड करते हैं, पैसे मंगते हैं कि इन्ने पैसे दो, हालांकि खुदा की कसम उल्टा इन्हां ते दीन दा ए दीन दे दीन देनदार ने, ये लोग जड़े दीन सुनान दा पैसा मंगते ने, उल्टा दीन दा इन्हां ते एहसान है। वेखो ना सारी उमरा दीन मुफ्त पढ़िया, मैं खुद मुफ्त पढ़िया सारी उमरा दीन, ते अज दीन बयान करना ते लोगों नूं कहिंदे सानूं पैसे दिओ। यार मैनू दसो कि जिहड़ा बंदा बगैर पैसों तो नबी पाक की सीरत सूरत बयान नहीं कर सकता, वह बंदा नबी पाक की जात पैसे किवें खर्च करेगा? क्यों जी? तो फिर उन्होंने लोगों की इज्जत भी तो कुर्सी की हद तक ही है ना, उतरते जाते हैं तो मगरों फिर जो भी सूरत हाल तुम आवाम सब नूं पता है। हज़रत सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जात फरमाया कि मैनू मेरा दिल करता है कि मेरे को माल हो तो मैं हज़ूर वास्ते खर्च करता रवा, खर्च करता रवा। तो मैंने दसो कि जो बंदा जो खतीब जो मुअल्लिम बगैर फीस तो तकरीर करने वास्ते नहीं आता,
तो दसो उस बंदे अगर माल खर्च करना पै जाए तो करेगा, या उस बंदे दीन वास्ते खून देना पवे वह देगा, उस बंदे दीन वास्ते पुत्र कुर्बान करना पवे देगा, कभी भी नहीं देगा। ते तीसरी चीज हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाया कि मेरा दिल कर रहा है, मेरी सब तो पसंदीदा चीज ये कि मैं नबी पाक की मजलिस के अंदर बैठा रहा और हजूर मेरे सामने बैठे रहन, मैं हजूर न तकदा रहा, देखता रहा। फरमाया ए तीन चीजा मैं सब तो ज्यादा पसंद ने। हुन जड़ी सब तो पहली चीज कि मैं नबी पाक की मजलिस के अंदर बैठा रहा। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि असी जो नबी पाक की मजलिस के अंदर बैठते सी, हजूर की मजलिस की कैफियत ही होती सी कि असी साढ़े ते सख्ता तारी सी, रिकत तारी होती सी। अगर साढ़े सिरां ते आके कोई परिंदे भी बैठ जाते सन ना तो उन्होंने इंज लगता सी जिवें असी रुखां ते बैठे हाँ, आके दरख्तों ते बैठे, यानी बिल्कुल मुनजमिंद हो जाना, साकिन हो जाना, हिलना ही ना। ते फरमाते ने कि उधर मेरे करीमा का दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त गुफ्तगू फरमाते सन, फरमाया हजूर के दंदाने मुबारक दे विचों नूर निकलता सी। और ए तीन चीजा जिहड़ियां हजरत अबू बकर सदीक ने फरमाया कि मैनू पसंद ने, ते अज हर मुसलमान, हर मोमिन, हर आशिक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर बंदे की यह ख्वाहिश है कि मैं हजूर नूं वेखां, हजूर नूं, हजूर दा दीदार होवे। लेकिन उस तो कबल कुछ शरायत ने, उस तो कबल अगर ये मामला करना है तो फिर अपना अकीदा भी अबू बकर सदीक आला लैके आ।